अरे वो उसको सजा नहीं मिलेगा तो और लोगों की हाईब्रिड बनेगी इंसानियत मरी नहीं होती तो कोई न कोई छुड़ाया होता हमको भी दस लाख रुपया दे दिए ठीक ये हो गया बेटी सौदा करना ऐसे सबको सब मारते रहे ऐसे सरकार सबको पैसा देते रहे तो सौदा करना हुआ कि नहीं हुआ कोई अगर सहायता करा होता तो आज हो सकता कि साक्षी मेरी जिंदगी होती ऐसे रहता है जब बारिश होती है तब हम लोग के घर में पानी घुस जाता है उसकी गंदगी भी घुस जाती है अगर हम कहेंगे तो लड़ाई छिड़ेगी ऐसे बढ़िया हम ये नहीं कहेंगे हमको इंसाफ चाहिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती हमारी है कि हमको इंसाफ चाहिए नमस्कार मैं शिखा सिंह अभी उत्तरी पश्चिम दिल्ली में मौजूद हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ ये है शाहबाद डेरी शाहबाद डेरी में जहाँ पे साक्षी का घर है साक्षी गौतम जो यहाँ जिसको मार दिया गया है मोहम्मद साहिल के द्वारा और साहिल ने उसको लगभग बीस चाकू बीस बार चाकू से वार किया उसके बाद उसका जी नहीं भरा तो उसने उसके सर पे पत्थर से वार किया और इतने इतनी हैवानियत से उस, उसका हत, उसकी हत्या की कि, कि इंसानियत सबसे पहले एक और सवाल इस पे उठता है ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के सहवाद डेरी के वो लोग यहाँ पे रहते हैं देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे यहाँ से लेके आप दूर दूर तक अगर नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे गंदे पानी नाले नाले बह रहे हैं यहाँ पे और तमाम तरह की जो है मतलब बीमारियाँ होने की संभावना है ये बार बार मैं आपको विजुअल दिखा रही हूँ किस तरीके से यहाँ पे लोग मजदूर जी रहे हैं ये देखिए एलिबेस्टर लगा हुआ है लोगों के घर में ताले लगे हुए हैं ये नालियाँ हैं जहाँ पे भारत कह रहा है विकास हो रहा है और हम दलितों के लिए पिछड़ों के लिए मज़दूरों के लिए काम कर रहे हैं वहाँ की ये हालात है जब मैंने ये हालत देखी यहाँ की तो मेरे से रुका नहीं गया तो मैंने कहा एक आप लोगों को हमारे जो दर्शक हैं जहनित आवाज़ के हम उन्हें ये दिखाएं कि किस तरीके से दलितों के साथ आज भी जो अच्छे लोग हैं जो जो बड़े उहदे पे लोग हैं जो जाति में भी ऊपर हैं उनके साथ वो अच्छे जगह पे रहते हैं अच्छे इलाके में रहते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते हैं उनके लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार के बड़े बड़े वादे यहाँ पे लहरा रहे हैं ये पानी में बह रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम आपको कुछ लोगों से बात करके बताएंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं जैसा कि उन्होंने कहा कि साक्षी की जब से हत्या हुई है उस दौरान यहाँ पे तमाम टीवी चैनल्स वाले और तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद वाले ये सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन किसी ने भी आ, यहाँ पे एक मैडम हम इनसे बात करेंगे कि किसी ने इतने लोग यहाँ पे आए देखिए इधर इतने लोग यहाँ पे आए किसी ने ये स्टोरी नहीं देखी किसी ने आपसे इस हालात के बारे में नहीं पूछा कि कैसे यहाँ पे रह पा रही हैं नहीं मैडम कोई नहीं पूछा ये इसी तरीके से बारह मास यहीं पे ऐसी इसी तरीके से पानी रहता है ऐसे रहता है जब बारिश होती है हाँ। तब हम लोग के घर में पानी घुस जाता है उसकी गंदगी भी घुस जाती है हम लोग बहुत मतलब बहुत बार गए हैं जय भगवान मतलब पास और मतलब सबके पास गए कोई सुनवाई नहीं है हमारे लोग को बोलते हैं कि अपने अपने घर पे मलवा डालो अपना पाट लो हम हम तुम्हारे वो अंडर से नहीं जीते हैं लेकिन ऐसे आपको बता दें कि ये जो साक्षी हैं जिनका मर्डर हुआ है उनकी ये भाभी हैं तो जब वो लोग आए थे जब साक्षी का मर्डर हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उधर से गुजर रहे थे तो किसी ने सहायता करने की कोशिश नहीं की नहीं कोई अगर सहायता करा होता तो आज हो सकता कि साक्षी मेरी जिंदी होती आदमी मन के मन में मतलब सबके मन में डर है कि उनको छोड़ के मेरे मानने लगेंगे इसीलिए कोई छुड़ाया नहीं हाँ। तो कहीं कही कहीं ना ये बहुत बड़ा सवाल है खुद में कि इंसानियत मर गई है लोग ऐसे सड़क है ऐसे सब मन आ जा रहे हैं कोई नहीं हुँ। छुड़ाया हुँ। कोई छुड़ाया नहीं अगर छुड़ाया होता नहीं अगर ऊपर से आदमी देख रहे थे अकाध पत्थर मारे होते है लगा होता तभी हो सकता कि आज हम लोग के पास होती मतलब थोड़ा चोर बहुत लगती लेकिन जिंदी तो होती टीवी में उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है कि उसके दो-दो रिश्ते थे इस पे आप क्या बोलेंगे नहीं मैडम जी हम तो नहीं हम जब देखे नहीं तो हम कैसे कह दें कि हाँ है कितना उम्र था साक्षी पंद्रह साल पंद्रह साल तो उस लड़के से आप कभी मिली है साहिल से नहीं कभी यहाँ आस पास दिखा हम कभी नहीं देखे न देखे न मिले न कभी हम लोग से जिक्र करें कभी नहीं अगर कभी जिक्र भी करी होती तो हम लोग उसको समझाते बुझाते लेकिन कभी नहीं अच्छा इससे पहले भी यहाँ पे कुछ मामले हुए मर्डर के हाँ हा? वहाँ भी पीछे वहाँ झाड़ी मार के फेंके थे कौन लोग थे मारने वाले और मरने वाले कौन लोग अब पतन कौन लोग थे हिंदू थे हिंदू थे कि भाई अब पतन कौन थे हम इतना उठवा नहीं जितना आज ये दिखा रिहान के दिखा रहे हैं हाँ। साहिल को हाँ। साहिल को दिखा रहे हैं उतना मतलब उतना उठवा नहीं हुआ था क्योंकि साहिल मुस्लिम में इसलिए लोग नहीं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात मुस्लिम हिंदू में मतलब हाँ। कोई बात नहीं है अगर हम कहेंगे तो लड़ाई छिड़ेगी ऐसे बढ़िया हम ये नहीं कहेंगे हमको इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए माता पिता कब आएगा माता पिता आएंगे अब देखो कब आएंगे दस लाख रुपए देने की बात की जा रही है आपको केजरीवाल कह रहे हैं कि दस लाख रुपया काफी है एक जान के लिए दस लाख रुपए है ठीक लेकिन यही सरकार बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अगर ऐसे ही दस लाख अगर हमको मार दिए हमको भी दस लाख रुपया दे दिए ठीक ये हो गया बेटी सौदा करना ऐसे सबको सब मारते रहे ऐसे सरकार सबको पैसा देते रहे तो सौदा करना हुआ कि नहीं हुआ आ, दाम करना हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अमल में नहीं आ रहा यही नहीं, नहीं, गलत है सब जब हमारी बेटी नहीं बच रही नहीं पढ़ रही है तो हम कैसे कह रहे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, बेटी बचाओ सही है कह रहे हैं कि भाजपा वाले अच्छा काम कर रहे हैं पाँच पाँच किलो राशन दे रहे हैं गरीबों के लिए मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं पता नहीं हम लोग नहीं जानते अच्छा कर रहे हैं हम लोग को नहीं पता तो है तो आपने इस पे सवाल नहीं उठाया जैसे कि आपको मैंने दिखाया पहले भी और अभी भी दिखाती हूँ की ये जो पीछे नालियाँ है आप मैंने दिखाया ये तस्वीर तो इस पे आपने कभी सरकार से गुहार नहीं लगाई की सबको ठीक करना चाहिए बहुत हम लोग गुहार करे थे आप जैसे मीडिया वाले भी आए थे उसने हम लोग बहुत थोड़ा हाथ जोड़ के विनती करें कि हम लोग को कुछ सुविधा दो नाला बनवा दो और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए नाला बनवा दो कुछ भी नहीं सुनवाई हम लोग को वैसी लड़की के लिए क्या कहेंगे जो अभी पंद्रह सोलह साल की है जैसा कि आपकी साक्षी के साथ ऐसा हुआ है तो लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमें यही कहेंगे मैडम जी कि कड़ी से कड़ी सजा आज हमारे बेटी के साथ हुआ कल के उनके बेटी के साथ होगा फिर उनके बेटी के साथ होगा हम ये नहीं कहेंगे कि लफ जिहाद नहीं हम कुछ भी नहीं जानते हमको ये चाहिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती हमारी है कि हमको इंसाफ चाहिए हमको मौत चाहिए फांसी की मौत न, जैसे आज हमारी बेटी की सब देख रहे हैं इतने से मार रहा है वैसे पूरी इंडिया उसको भी देखें कि हाँ आज जो करा था मर्डर करा था आज उसको इंसाफ मिला है तो कहीं ना कहीं अगर टाइम पे वक्त पे अगर सजा दी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं रुकेगा थमेगा बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है हाँ कौन कौन तो थमेगा तब थोड़ा बहुत जो डर रहेगा नर्सरी का जड़ी उनको डर रहेगा कि हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमको भी यही होगी फांसी सजा होगी नहीं वो तो बोलता है मुझे कोई अफसोस नहीं है मैंने मार दिया तो उसको अफसोस नहीं लेकिन जो और हैं उसको तो डर रहेगा की आगे हम कदम उठाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा क्या बोल रही थी आप उसको अगर सजा नहीं मिलेगा तो क्या होगा अरे वो उसको सजा नहीं मिलेगा तो और लोगों की हैबिट बनेगी और उसको सजा की मौत हो जाएगी तो हैबिट लोगों की खत्म हो जाएगी और नहीं तो वो भी आएगा तो भी गुंडागिरी करेगा और सबको मारे पीटेगा और लोग भी उसके उसके आधार पे और भी लोग भी गुंडागिरी करने लगेंगे और भी मौत मौत घात यहाँ करने लगेंगे तो आपको लगता है कि सब चीज़ को रोकने के लिए सजा समय पे मिलना चाहिए उसको वक्त नहीं लगाना चाहिए टाइम नहीं लेना चाहिए उसको उसी वक्त जैसे वो लड़की मरी है उसी वक्त उसको फांसी का बातचीत करना चाहिए उसी वक्त फांसी दे देना चाहिए क्या लग रहा है मिलेगा फांसी हमें तो लग रहा है निशाब मिलेगा अब आगे सरकार बता सकती है ना कितना दिन है तो सालों साल लग जाते हैं सालों साल हमें में मिलेगा तो सालों साल हमें नहीं चाहिए हमें हमें दस दिन पाँच दिन दो दिन तीन दिन अब पाँच छः दिन हो गया अब दो चार दिन और अंदर अंदर में उसको फांसी की मौत हो जाना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है खुद में कि इन्होंने जैसा कि कहा कि सजा अगर वक्त पे मिले तो लोग जो लोग काम करते हैं इस तरीके की जो बेटियों के साथ गलत करते हैं वो एक बार ये सारी चीजें करने से डरेंगे आप लोग क्या सोचते हैं हम आपको एक बार और ये वीडियोस दिखाते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे और सरकार जो है चाहे वो केजरीवाल सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो बीजेपी सरकार हो मोदी जी हो कोई भी हो जो बड़े बड़े वादे करते हैं दावे करते हैं वो यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है आपकी इस पूरी खबर पे क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए धन्यवाद